स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड थर्ड यूनिट 9। हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार। कोई भी अगर आप चीज़ लो, जैसे कि एक से ज़्यादा, मोर देन वन, अगर आप कोई भी चीज़ लेते हो सो उसके बारे में हमें डिस्कस करना हो। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है लेग एनिमल्स, देर आर फाइव गोट्स। यहाँ पर आपको फाइव गोट्स का पिक्चर्स दिया हुआ है। हाउ मेनी लेग्स ऑल टुगेदर, सभी के कितने पैर हुए मिलाकर। सो हमें पता है कि वन गोट हैज़ फोर लेग्स। सो यहाँ पर वन गोट के फोर लेग्स, तो फाइव है, वन टू थ्री फोर फाइव। वन गोट के फोर, सेकेंड गोट के फोर, थर्ड के फोर, फोर के फोर और फाइव के फोर। ठीक है, ये सभी को मिलाकर कितने हुए, फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर इज इक्वल टू 20, और फाइव टाइम्स फोर इज 20, यानी कि फाइव गोट्स के फोर लेग्स कितनी बार आए, फाइव टाइम्स आए। एक बार फोर, दूसरी बार फोर, तीसरी बार फोर, चौथी बार फोर और पांचवी बार फोर। सो फाइव टाइम्स फोर इज 20। जैसे कि अगर हम फाइव का टेबल लर्न करें तो फाइव फोर जा 20 हुआ ना, उसी तरह टाइम्स का मतलब ऑलवेज होता है मल्टीप्लाई। जैसे कि उसको फाइव टाइम्स फोर को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें लिखना हो तो फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर इज इक्वल टू 20। सो फाइव फोर जा कितना हुआ, 20। एवरी टाइम अगर आपको यहाँ पर टाइम्स लिखा हुआ होता है, फाइव टाइम्स फोर मतलब फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये हमें याद रखना है। हाउ मैनी स्पाइडर्स, सो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर कितने स्पाइडर्स दिए हुए, वन टू और थ्री, जो भी हमें दिखता है उसी तरह से लिखते जाना है और समझते जाना है। वन स्पाइडर हैज़ डैश लेग्स, अगर एक स्पाइडर का स्पाइडर्स के लेग्स अगर हम काउंट करें तो कितने हुए, ये है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट। सो वन स्पाइडर के एट लेग्स हुए। इन ऑल स्पाइडर लेग्स आर थ्री टाइम्स, अगर सभी स्पाइडर्स के लेग हम थ्री टाइम्स ले तो क्या हुआ, थ्री टाइम्स एट आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फाइव गोट थी तो हमने उसके फोर लेग्स को कैसे लिखा था, फाइव टाइम्स फोर। तो यहाँ पर एट कितनी बार आया, थ्री टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर कितने स्पाइडर है, थ्री। सो क्या आएगा, थ्री टाइम्स एट, सभी स्पाइडर के एट एट लेग्स, एट एट एट, तो एट कितनी टाइम्स आया, थ्री टाइम्स। तो हम क्या लिखेंगे, थ्री टाइम्स एट। जैसे कि यहाँ पर फाइव गोट्स थी और उसके फोर लेग्स थे तो हमने इसे लिखा ना कि फाइव टाइम्स फोर, उसी तरह से थ्री टाइम्स एट। सो हम क्या करेंगे, एट को कितनी बार लिखेंगे, थ्री टाइम्स, एट वन टू, वन टू थ्री, थ्री टाइम्स हमने एट को लिखा, तो एट प्लस एट कितने हुए, सिक्सटीन, और सिक्सटीन प्लस एट 24। सो ये हमारा आंसर है। अगर हमें थ्री टाइम्स एट को अगर हमें लिखना है तो हम और किस तरह से लिख सकते हैं, टाइम्स की जगह हम मल्टीप्लाई कर देंगे और थ्री मल्टीप्लाई बाय एट इज इक्वल टू 24। मतलब कि अगर कोई भी चीज़, सॉरी यहाँ पर कोई भी डिजिट अगर बार बार आता है, जैसे कि एट वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, सो उसका आंसर एडिशन में और मल्टीप्लाई में सेम ही आएगा। जैसे कि हमने एट को थ्री टाइम एडिशन किया सो भी 24 आया, और एट को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई किया, जितनी बार एट ली है उससे हमने मल्टीपल किया सो उसका आंसर भी 24 आया। एक और एग्जांपल्स देखते हैं। डू यू नो दिस लेगी फेलो, क्या यहाँ पर आपको ये लेगी फेलो दिया हुआ है, उसको आप जानते हैं, दिस इज एन ऑक्टोपस, वो ऑक्टोपस है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कहाँ रह रहा है, समंदर में, और इट ऑल्सो हैज़ एट लेग्स, उसके भी कितने लेग्स हुए, उसके भी एट है। यहाँ पर हम काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये ऑक्टोपस है, उसके भी एट लेग्स है। सो हाउ मेनी लेग्स ऑल टुगेदर, फाइव ऑक्टोपस हैव लेग्स हैव, अगर
हम 5 ऑक्टोपस को मिलाकर उसके लेग काउंट करेंगे तो उसके कितने लेग हुए, 1 ऑक्टोपस को 8 लेग्स है। सो 5 ऑक्टोपस को 8 हमें ऐड कितनी बार करना पड़ेगा, 5 टाइम्स करना पड़ेगा। सो 1 ऑक्टोपस के लेग 8, सेकंड के 8, थर्ड के 8, फोर के 8 और 5 के 8। सो हमें इन सभी का एडिशन करेंगे, सो क्या आंसर आएगा, 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40। सो उसका आंसर आएगा 40। सो 5 टाइम्स क्या आया, ये 8 जो है 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स कौन सा डिजिट आया, 8। सो 5 × 8 = 40 हुआ ना। सो हम उसको मल्टीपल के रूल्स के हिसाब से कैसे लिखेंगे, 5 × 8 = 5×8=14। सो अब समझ में आया कि अगर कोई भी डिजिट एडिशन में बार बार रिपीट हो, जितनी बार वो रिपीट हुआ है उसको उसके साथ मल्टीपल करेंगे। ये जो यहाँ पर कौन सा डिजिट है जो बार बार आता है, 8, कितनी बार आया, 5 टाइम्स। सो 5 टाइम्स उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 8। यहाँ पर कौन सा डिजिट है वो बार बार आया, 8 आया, कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया। सो 3 × 8, यहाँ पर कौन सा डिजिट है जो बार बार आया, रिपीट हुआ उसका, 4 का, कितनी टाइम्स आया, 5 टाइम्स। तो हम कैसे लिखेंगे, 5 × 4। समझ में आया। फाइंड द नंबर विदाउट काउंटिंग, हाउ मेनी फ्लावर्स इन अ फ्लावर बेड। यहाँ पर फ्लावर बेड आपको दिया है, उसमें कितने फ्लावर्स है, सो अब उसको हमें काउंट नहीं करना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमें काउंट नहीं करना है, काउंट किए भी नहीं हमें देखना है कि कितने फ्लावर्स होंगे फ्लावर बेड्स में। इट हैज़ 4 कॉलम्स, ये तो हम गिन सकते हैं कितनी कॉलम्स है, 1 2 3 & 4 कॉलम्स है यहाँ पर, ठीक है। और ईच कॉलम हैज़ 6 फ्लावर, एक कॉलम में 6 है, दूसरे में भी 6, तीसरे में भी 6, चौथे में भी 6, इस तरह से सभी कॉलम में 6 फ्लावर्स है। कॉलम्स कितनी है, 4 कॉलम्स है, ईच कॉलम्स हैज 6 फ्लावर। सो ऑल टुगेदर द फ्लावर बेड हैज़ 4 × 6 फ्लावर्स, ठीक है। सो यहाँ पर कौन सा डिजिट बार बार आया, 6 6 6 6, ये बार बार आता है, सो हम उसको 6 है वो कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स। तो हम क्या लिखेंगे, 4 × 6 फ्लावर्स। सो हमें यहाँ पर 6 + 6 + 6 + 6 = 24 हुआ। अगर हमें इसको मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से लिखना है, कौन सा डिजिट है वो बार बार आया, 6 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स। सो हम इस तरह से लिखते हैं ना, 4 × 6। सो टाइम्स की जगह हम कौन सी साइन हम रखेंगे, मल्टीपल की। सो 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24। यहाँ पर हमें टेबल जो है वो लर्न करने पड़ेंगे, तभी हमें इसका आंसर आएगा। सो सभी को टेबल्स आने चाहिए 1 to 10 के। लेट्स ट्राई अनदर वे, द फ्लावर बेड हैज़ 6 रो, ईच रो हैज़ 4 फ्लावर्स। अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एवरी बेड हैज़ 6 फ्लावर और सॉरी 6 रो, 1 2 3 4 5 & 6, और ईच रो हैज़ 4 फ्लावर, 1 2 3 4, एवरी रो में कितने फ्लावर्स हैं, 4 फ्लावर्स हैं। सो कौन है जो बार बार रिपीट हुआ, 4 4 4 4 4 4, जो 4 का डिजिट है वो बार बार रिपीट हुआ, कितनी बार रिपीट हुआ, 6 टाइम। सो हम कैसे लिखेंगे, 6 × 4। सो 4 को हम 6 टाइम ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, सो उसका आंसर आया 24। अगर 6 × 4 है तो हम क्या लिख सकते हैं, और 6 × 4 = 24। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, अब हम एक एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। इन द सेम वे, हाउ मेनी बॉटल्स आर दिस, यहाँ पर कितनी बॉटल्स है। सो हम क्या करेंगे, पहले हम उसकी कॉलम को गिनेंगे, 1 2 3 4 5, कितनी कॉलम्स है, 5,
और एवरी रो में कितनी बॉटल्स है, 1 2 3 4, 4 4 4 4 4, कितनी टाइम आया, 5 times, 1 2 3 4 5, 5 times, 1 time 4, 2 time 4, 3 times 4, 4 times 4 और 5 times 4. सो हम क्या लिखेंगे, 5 times 4. सो इसका आंसर आएगा 5 multiply by 4 इज इक्वल टू 5 4 20. सो इसका आंसर आएगा 20 bottles है यहाँ पर। हमने ऐसे नहीं गिना ना 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें तो कितना टाइम लगता है। सो हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ अगर बार बार रिपीट होती है सो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसकी कॉलम और रो को काउंट करके उसको मल्टीपल करेंगे और उसका आंसर आ जाएगा हाउ मैनी एग्स, यहाँ पर कितने एग्स हैं। सो पहले हम क्या करेंगे, उसकी कॉलम्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, कितनी कॉलम्स है, 5 columns है। एवरी कॉलम एवरी रो में कितने एग्स हैं वो भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 1 time, 6 2 times, 6 3 times, 6 4 times, 6 5 times, 6. सो क्या आएगा, 5 times, 6. सो 5 6 का कितना हुआ, 30. सो यहाँ पर कितने एग्स है टोटल ट्रे में, 30 एग्स है। अब हम उसके रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज को हम प्रैक्टिस करेंगे। सो प्रैक्टिस टाइम, फर्स्ट ए रीराइट यूजिंग प्लस साइन, प्लस साइन वाला जो है जो भी डिजिट है वो रिपीट होता है उसको हमें प्लस साइन यूज करके यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 2 multiply by 5 इज, उसका मतलब क्या हुआ, 2 times 5, 2 times 5 और 5 plus 5, 5 कितनी बार आया, 2 टाइम। जो लास्ट डिजिट है उसको आगे के डिजिट से हमें ऐड, सॉरी आगे का डिजिट है उतनी बार हमें उसका एडिशन करना है। जैसे कि 4 multiply by 18 इज 4 times। सो यहाँ पर हमें पता है कि मल्टीप्लाई मल्टीपल की साइन के जगह हम टाइम्स लिखते हैं और टाइम्स की जगह मल्टीपल करते हैं, राइट, आगे भी हमने ऐसा किया था ना। सो कन्फ्यूज नहीं होना है, क्या करना है, सिर्फ जो भी हम ऐसे बोलते हैं ना 4 multiply by 18, उससे हम कैसे लिखेंगे, 4 times, यहाँ पर क्या आएगा, 18। सो ये 18 है वो कितनी बार लिखेंगे हम, 4 time लिखेंगे। सो 1 time 18, 2 time 18, 4 time, 3 time 18 और 4 time 18, है ना, इजी। सो 3 multiply by 20, सो 3 times 20, तो कौन 3 times आया, 20। सो 20 को हम 3 बार लिखेंगे, 1 2 and 3, है ना, इजी बहुत ही। 8 multiply by 9, सो 8 times 9, सो 9 है वो कितनी टाइम्स आया, 8 times, तो हम लिखेंगे 8 times उसको, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, है ना, इजी। 8 times 9, 3 times 20, 4 times 80, 2 times 5, जो भी डिजिट को हमें जितनी बार बोला है कि ये इतने टाइम्स है, इतने टाइम्स हमें उतना उसका एडिशन करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, टेल हाउ मैनी टाइम्स। अब हम क्या करेंगे, हमने टाइम्स को एडिशन में लिखा था, उसी तरह हम एडिशन को टाइम्स में लिखेंगे। यहाँ पर 9 जो है वो रिपीटेशन में दिया है एडिशन में, सो 9 को है कितनी बार दिया है उसको हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, सो 6 multiply by 9, उसका मतलब हुआ है 6 times 9, सो उसका आंसर आया 54। यहाँ पर हमें जो 4 है वो रिपीटेशन में दिया है एडिशन में, सो 4 कितनी बार है वो काउंट करना है, 1 2 3 4 5, 5 times 4 इज इक्वल टू 20, 5 4 20। अब हम यहाँ पर कौन सा डिजिट हमें दिया है रिपीटेशन में, 8, सो यहाँ पर हमें 8 है वो लिख कर दिया है, हमें यहाँ पर आगे जो ब्लैंक्स है वहाँ पर क्या फिलअप करना है, ये 8 है वो कितनी बार आया, काउंट करते हैं चलो, 1 2 3, सो 3 multiply by 8 मतलब
कितने हुआ सोचो, आपको थ्री का टेबल आना चाहिए। थ्री का टेबल कहाँ तक आपको बोलना पड़ेगा, एट तक। थ्री एट जा 24। यहाँ पर है वो फाइव दिया है, फाइव टाइम्स कौन है यहाँ पर, फाइव टाइम्स, ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें तो काउंट भी नहीं करना पड़ेगा। फाइव टाइम्स है थ्री, तो फाइव थ्री जा 15। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, कौन सा डिजिट है वो, कितने टाइम्स है, सो यहाँ पर कौन सा डिजिट बार बार रिपीट हुआ है, 30। वो हमें राइट साइड पर लिखना है, कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3, 3 times 30, सो उसका आंसर आएगा 90। यहाँ पर दोनों में से भी कुछ नहीं दिया है सिमिलर, सो कौन सा डिजिट है वो बार बार रिपीट हुआ है, 7। 7 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, सो 6 times 7, 6 multiplied by 7 इज इक्वल टू 42। यहाँ पर आपको टेबल्स आने चाहिए 1 to 10 के, तभी आपको ये आंसर आएगा, ठीक है। या फिर आप एडिशन करके भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हमें मल्टीपल करना पड़ेगा जो भी डिजिट बार बार आता है उसके लिए। अभी यहाँ हमें नेक्स्ट में हमें 12 रिपीटेशन हुआ है बार बार, 12 है वो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 times है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 multiplied by 12, 4 times 12। अभी ये जो है वो आपको नहीं आएगा, सो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 multiplied by 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, सो उसका आंसर आएगा 48। अभी यहाँ पर कौन सा डिजिट है वो रिपीट हुआ है, 6 लिखा हमने राइट साइड, कितने टाइम्स हुआ है वो हम लिखेंगे लेफ्ट साइड। ये आपको माइंड में रखना है ताकि आपको इजी हो जाए। अगर आप इसको लेफ्ट राइट में भी अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि आपको लेफ्ट को राइट साइड पे लिख दिया, डिजिट राइट का लेफ्ट पे लिख दिया, सो उसमें कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रूल्स में आप जो डिजिट है उसको चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप 12 लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 4 भी लिख सकते हैं, ये रूल्स आपको याद रखना है। ये अभी आपके लिए अंडरस्टैंड करने में बहुत ही हार्ड हो जाएगा, लेकिन ये आपके लिए जानना भी ज़रूरी है। सो 6 है वो कितने टाइम्स आया, 3 times, 3 times 6, 6 3 जा 18। यहाँ पर कौन सा डिजिट है वो रिपीट हुआ है, 10। कितने टाइम्स, 1 2 3 4, 4 times 10, 10 4 जा 14। कौन सा डिजिट रिपीट हुआ, 2। कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5, 5 times, 5 2 जा 10। कौन सा रिपीट हुआ, 6। कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 6 जा 42। सो ये थे हमारे हाउ मेनी टाइम्स, कौन सा डिजिट है वो कितने टाइम्स आता है वो हमने सीखा। अब आगे का चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।